इंडिया जर्मनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का एडमिट कार्ड आ चुका है। बिल्कुल आपको डिटेल में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, गूगल में जो भी आप गूगल क्रोम ब्राउजर या कोई भी जो गूगल यूज करते हो वो आप गूगल खोल लीजिए और सबसे पहले आपको सर्च करना है बीएसएफ। और उससे पहले बोलूंगा, मैंने आपको कल ही बोला था आपका कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला था आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, पर आपके भाई ने बोला था, मात्र बोला था कि आपका एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला। अभी मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आरओआरएम के स्टूडेंट है वो जरूर कैंडिडेट सुन ले। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलो देखते हैं भाई हमारा एडमिट कार्ड कहाँ है। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है बीएसएफ। क्या सर्च करना है मेरे दोस्तों? बीएसएफ। सबसे पहले हमें सर्च करना है बीएसएफ। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बीएसएफ। बिल्कुल आपके लिए बीएसएफ सर्च करने के बाद में, या उससे पहले बोलूंगा बीएसएफ से रिलेटेड पल पल की अपडेट करने के लिए आप ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बीएसएफ सर्च करते आपको आएगा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते भाई आपको आएगा यहाँ पर अजय, आपका जो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो डालना और कैप्चर कोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। इसके ऊपर आपको डाउनलोड करना आई एम ए नोटे रोबोट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल आई एम ए नोटे रोबोट के क्लिक कर लॉगिन का आपको ऑप्शन आएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बिल्कुल आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हेड कॉन्स्टेबल आज यहाँ पर देखो मैं जैसे एडमिट कार्ड, मैंने आपको कल ही बोला था कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक यहाँ पर दे रखा है सब कुछ। ये लो दोस्तों मेरा सेंटर आपका जोधपुर पड़ा है। मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है मेरे दोस्तों? आपका मेरा सेंटर पड़ा जोधपुर। तो देख सकते हो दोस्तों जो मैंने बोला था वह का वही हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।